नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम हमारे सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हिंदी साहित्य के बारे में जो हम BA सेकंड ईयर में जो सेकंड पेपर था उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो इस BA सेकंड ईयर का जो आपका सेकंड पेपर है, एकांकी वाली बुक है ना सेकंड पेपर, जिसमें एक बुक है आपके एकांकी, तो एकांकियों के बारे में क्या कर रहे थे हम इस पेपर में चर्चा कर रहे थे। तो एकांकियों के बारे में चर्चा करते करते जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या कर लिया था, दो एकांकियों को कंप्लीट कर लिया था। कहने का मतलब है कि आपके दो एकांकी क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। अब तीसरे नंबर पर जो एकांकी था आपके नया पुराना, इसके लेखक कौन है, उपेंद्रनाथ अस्क। कौन है, उपेंद्रनाथ अस्क। तो जो ये सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका, यानी एक फर्स्ट क्लास अपनी कल क्या हो गई, इसकी हो गई, यानी कल इसके बारे में सामान्य हमने चर्चा की थी, किसके बारे में, उपेंद्रनाथ अस्क के बारे में। अब नेक्स्ट जो अपना सेकंड पार्ट चलेगा इसका, तो आज जो भी इसकी नया पुराना, इसका खतरनाक क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, उसके बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो कल पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइजन या रिविजन करते हैं। तो कल हमने उपेंद्रनाथ अस्क के बारे में क्या थोड़ी सामान्य जानकारी ली थी, तो सामान्य जानकारी जो भी ली थी हमने वो यही थी कि इसके जो पात्र हैं वो क्या थे, सामान्य जनजीवन से, या सामान्य जनजीवन को, या जो सामाजिक प्रकार का जो जनजीवन है उसके, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको क्या किया इन्होंने अपने रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। और उन्होंने सर्वप्रथम लेखन जो स्टार्ट किया था वो किस में किया था, उर्दू में, यानी उर्दू में इन्होंने पहले लिखना स्टार्ट किया, और फिर बाद में किस में आए थे, हिंदी में आए थे। और हिंदी की जो सारी विधाएँ थी, करीबन सभी हिंदी की गद्य विधाओं पर इन्होंने क्या किया, अपनी लेखनी चलाई। लेकिन मुख्यतः रूप से, या मुख्य रूप से इन्होंने जिस विधाओं में लिखा वो कौन कौन सी विधाएँ थी, कल बताया था ना मैंने आपको कौन कौन सी विधाएँ थी वो, तो एक तो था उनमें उपन्यास, कौन सा, उपन्यास, एक आपकी थी कहानी, एक था आपके नाटक, एक आपकी था एकांकी, और एक था संस्मरण। यानी तो उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी और संस्मरण, यानी इन चार पांच जो विधाएँ थी इनके ऊपर इनको क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा रचनाएं लिखी और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी ज़्यादा प्रभावित करने वाली रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी, कौन कौन सी विधाएं थी, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गई, नाटक हो गया, और संस्मरण हो गया, ये तो जो भी चार पाँच थे विधाएँ उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा। और जो इन्होंने जो रचनाएँ थी उनका जो खतानक लेते थे ये, तो खतानक किससे लेते थे, ज़्यादा सामाजिक जीवन, यानी सामाजिक जीवन से इन्होंने अपने खतानकों में सबसे ज़्यादा स्थान मिला, यानी सामाजिक जीवन से जो भी घटनाएं घटित होती हैं, यानी सामाजिक जीवन में भी जो मध्यम परिवार की घटनाएं हैं, उन मध्यम परिवार की घटनाओं को इन्होंने क्या किया, ज़्यादा अपने साहित्य में स्थान दिया। अब मध्यम परिवार में कौन कौन सी घटनाएं होगी, जैसे मध्यम परिवार में जो बेमेल विवाह होते हैं, या उनमें जो दहेज प्रथा होती है, या और कुप्रथाएँ चलती है, या उनका जो रहन सहन है, या उनके रहने का जो तरीका है, जो लड़ाई झगड़े हैं, यानी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको इन्होंने क्या किया, अपने एकांकियों में स्थान दिया, या अपनी रचनाओं में क्या किया, स्थान दिया। तो इन्होंने सामाजिक जो जीवन था उसको लेकर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रखा, किसमें, अपनी रचनाओं में, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इन्होंने चरित्र प्रधान, यानी चरित्र को भी क्या दिया, चरित्र को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, उसको भी इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य स्थान दिया। और एक अभिनय, यानी रंगमंच नेता और अभिनय है, इस तत्व को भी इन्होंने बहुत ही क्या दिया, ज़्यादा महत्व दिया, किसमें, अपनी रचनाओं में भी इसका इन्होंने क्या रखा, बहुत ही ध्यान रखा। तो दो चार जो भी इनके बारे में सामान्य सी बातें थी वो कलम ने क्या की थी, चर्चा की थी। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो उसमें आज हम किसके बारे में बात करेंगे, जो नया और पुराना, यानी नया पुराना जो अपने एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का जो नेक्स्ट एकांकी है अपने, उसके बारे में, यानी इसमें क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से पात्रों की क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नॉर्मल से रूप में पहले इसके पात्रों के बारे में हम समझे, तो पात्र कौन कौन हो गए, एक तो हो गया देवचंद्र, कौन हो गया देवचंद्र, एक हो गया रविदत्त, और ये देवचंद्र है, इसकी पत्नी कौन है, ये प्रतिमा, देवचंद्र की क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, और रविदत्त की पत्नी कौन है, भाभी, यानी जो भाभी का किरदार है इसमें वो क्या है, इसकी पत्नी है। और बात करते हैं फिर किसकी, कमल की, एक कमल नाम का है इसमें कोई, और एक लिली, लिली नाम की लड़की है, और उसकी माँ, यानी लिली की माँ, यानी कोई लिली नाम की लड़की है, उसकी माँ का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान है या भूमिका है, यानी इन इन पात्रों की भूमिका क्या है इस एकांकी में है। अब बात करेंगे आगे स्टोरी की, एकांकी की, तो एकांकी की स्टोरी जानने से पहले आपको एकांकी के बारे में थोड़ा सा सामान्य से क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नया और पुराना।
जो एकांकी का नामकरण है नया और पुराना। तो नया और पुराना एकांकी के नामकरण का मतलब यही है कि इसमें जो भी जो आज का वातावरण चल रहा है और जो पुराना था अपने जो रीति रिवाज थे वो, तो दोनों के बारे में बताया गया है कि पुरानी सोच वाले जो पहले ईमानदार आदमी होते थे, अच्छी सोच रखने वाले होते थे, यानी जो पुराने ख्यालातों के होते थे, यानी जो अपनी परंपरा को कायम रखने वाले, और अभी जो नई सोच के हो गए, छल कपट करने वाले, धोखा फ्रेब ऐसे करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो उन्हीं को लेकर, यानी उन्हीं नए और पुराने विचारों को लेकर के ही इस एकांकी की रचना निर्माण किया गया है, यानी नए पुराने जो क्या घटनाएं थी उसी नए पुराने के हिसाब से घटना का इसमें वर्णन किया गया है। अब वो क्या घटना थी, इसमें घटना थी कि देवचंद्र जो रविदत्त है, तो देवचंद्र क्या पुराने ख्याल वाला आदमी है, कौन है ये, तो पुराने ख्याल वाला है और ये नए विचारों का है, और तो ये क्या कि पुराने विचारों को, तो पुराने हिसाब से सोचेगा भाई अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या उस हिसाब से होता है, ये क्या कि कोई भी सब ऐसा है, सब क्या है, सब ठीक ठाक है, कोई भी क्या कर्म पड़ा, कोई भी कुछ भी नहीं है, यानी जैसा समय चला उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने को रहना चाहिए, कोई भी फ्रेब धोखा होगा कुछ भी नहीं है, सब नीचे वालों को क्या करते हैं, मारते हैं, यानी अपने को नीचे वालों को दबोचना चाहिए, उनका शोषण करना चाहिए। ये बात कौन कहता है, रवि दत्त। तो यही इसमें के बारे में क्या था, इसे एकांकी में वर्णन था। तो इसकी स्टोरी क्या थी, इसका खतरन क्या था, उसके बारे में आगे क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी इसकी जो कहानी है उसको हम विस्तार से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसकी कहानी मैं आपको क्या विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो क्या करना आपको, पहले तो इन पात्रों को क्या कर लो, आप अपने कॉपी में नोट कर लो, और कॉपी में नोट करने के बाद फिर आप क्या करना आपको, बिल्कुल एक जगह स्थिर हो के दिमाग को स्थिर करके शांति से और ध्यान से क्या करना, मेरे जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अलग अलग जो पात्र हैं तो उन पात्रों की भूमिका आपको मालूम होगी कि पात्र क्या कहना चाहता है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका चरित्र एकांकी के माध्यम से कैसे निकल के आ रहा है, क्योंकि अपना एकांकी और सामाजिक और चरित्र प्रधान एकांकी है। कौन सा एकांकी है, चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, किस पात्र की क्या भूमिका है, क्या किरदार है, उसको आप ध्यान से सुनोगे स्टोरी को, तभी आपके समझ में आएगा। इसीलिए आपको क्या शांति से बैठना है, उनको पात्रों को कॉपी में नोट कर लो, और फिर ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना है। तो अब इसको इसकी स्टोरी क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो इसकी स्टोरी की बात करें तो एक कमरा है, कमरे में बैठे हुए हैं कौन, देवचंद्र और रविदत्त। तो ये क्या, देवचंद्र कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, चेयर के ऊपर, और रविदत्त क्या कंघी ले रखी है और शीशा ले रखा है, यानी बाल बना रहा है। अब बाल बना रहा है तो फिर बीच बीच में बातें चलती रहती है दोनों के बीच में। तो ये रविदत्त है, ये देवचंद्र से कहता है कि ये जो 60,000 रुपये है, यानी उसको क्या कर लो आप, इस ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं है जो 60,000 रुपये को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये करता है कि उनको क्या कर लो आप, वो कहते हैं ना कि ऐसे ही खा जाओ या कुछ ऐसे कर जाओ कि देना ही नहीं है, अगले लेके भूल जाओ मैं कोई। तो ये बोलता है कि क्यों इसने, रविदत्त ने, ये जो लीली की माँ है, इससे 60,000 रुपये कीमत के क्या लिए थे, गहने लिए। तो लीली की माँ ने इसके पास, देवचंद के पास गहने क्या किए थे, जमा किए थे, भाई आप मेरे गहनों को क्या रखो, अपने पास रख लो, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब मैं मेरी बेटी शादी लायक हो जाएगी और जिसकी इसकी शादी करूँगी, तब आप क्या करना, मुझे दे देना। ये इसलिए इन्होंने क्या दिया था, ये गहने इसको दिए थे। अब इसने क्या किया, देवचंद्र ने, जो देवचंद्र के पास गहने रखे हुए थे, किसके, इसके गहने किसके पास रखे हुए थे, देवचंद्र के पास। तो ये रविदत्त क्या करता है, अपनी शादी के लिए, यानी अपनी शादी के लिए उन गहनों को क्या करता है, इससे मांगता है, किससे, देवचंद्र से। देवचंद्र से बोलता है कि गहने क्या मेरी शादी में काम आ जाएंगे, मुझे दे दे, फिर मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो ये क्या इससे बोलता है, फिर ये कहता है कि मेरे नहीं है ये, तो मेरे पास अमानत के तौर पर रखे हुए है, पर ये गहने मेरे नहीं है, मेरे पास तो अमानत के तौर पर रखे हुए किसी और के है। तो बताता किसके, भाई इसके है। तो फिर ये इससे बात करता है सीधे, कौन, रविदत्त। तो फिर वो कहती है हाँ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उससे क्या पूछ लेता है, यानी इससे, यानी गहने की, गहने दिए थे ना लीली की माँ ने, तो लीली की माँ से ये पूछ लेता है, और पूछने के बाद फिर ये लीली की माँ बोल देती तो ये दे देता है, उसके कहने पे क्या करता है, दे देता है। तो ऐसे फिर क्या गहनों को ले लेता है, और शादी वादी हो जाती है, फिर शादी किसकी, रविदत्त की, यानी शादी के लिए तो मांगता है, खुद की शादी के लिए गहनों को, तो शादी के लिए गहनों को मांगता है, फिर शादी वादी हो जाती है, और गहने को कौन, इसकी जो पत्नी है कौन है, भाभी जी। तो ये क्या करती है, गहने को पहन के क्या होती है, बस गहने को पहन, पूरा जो भी गहना उसको यूज लेती है, खूब पहनती है। अब 4-5 महीने शादी को हो गए, अब देवचंद्र क्या करता है, वो गहने इनसे मांग रहा है, किनसे,
रविदत्त से देवचंद्र क्या बोल रहा है कि वो गहने मेरे को अब दे दो। अब तो आपकी शादी भी हो गई, शादी हुई, अब काफ़ी समय भी हो गया, तो आप क्या करो, गहने मेरे को वापस दे दो। ये कौन बोल रहा है? देवचंद्र। अब रविदत्त कह रहा है कि यार क्या, छोड़ो इन गहनों को तो, और दोनों 50-50 कर लेते हैं। वह क्या करोगे, उसकी कौन सी लिखा पढ़ी करवाई है आपने, कौन सा कागज़ वागज पे कोई लिखावटी कोई स्टाम्प स्टाम भी नहीं हुआ। कहने का मतलब रविदत्त का ये है कि अब वो उसके पास लेते क्या सबूत है, यानी कोई तो गवाह नहीं है कि उसने आपको ये गहने दिए थे, कोई उसने लिखा पढ़ी नहीं करवाई है कि हाँ मैंने उसी को ये गहने दिए है। तो आप क्या करो, तो आधे मैं रख लेता हूँ आधे तुम रख लेना, ऐसे क्या करते हैं हम इनको अपने पास रख लेते, उनको बोल देंगे भाई नहीं है हमारे पास, तो नहीं देंगे उसको। फिर ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो मेरी 12 साल की जो मेहनत है, 12 साल से जो मैंने इज्जत कमाई थी, उसको मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता, यानी ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। ये कौन है? देवचंद्र। देवचंद्र क्या है? एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसका प्रिंसिपल है, यानी प्राइवेट स्कूल है उसमें क्या है, ये प्रिंसिपल है, और उसी में क्या करती है, लीली पढ़ती है, उसी स्कूल में लीली पढ़ती है। तो क्या है, ये बोलता है कि मैं 12 साल से जो मैंने इज्जत कमाई है उसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और ये बोलता है कोई इज्जत इज्जत नहीं है, अगर 60,000 रुपये की जो गहने उनको 60,000 रुपये को आप रख लोगे तो 60,000 में ऐसे तो 10 स्कूल आप खरीद सकते हो, यानी जिस स्कूल में काम करते हो ऐसे तो 10 स्कूल आ जाएंगे, इसीलिए आप अपने आप ही फिर उतवार इज्जत तो अपने आप ही बन जाएगी, इसलिए आप क्या करो इनको अपने पास ही रख लो। यानी नीयत ख़राब हो गई किसकी? रविदत्त की। उसने क्या कर लिया, अपनी नीयत को ख़राब कर लिया, और इसको भी क्या बोल रहा है कि आप भी पलट जाओ, और दोनों हम दोनों ही क्या कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं, उसको क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो ये बोलता है कौन? रविदत्त। लेकिन देवचंद्र कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके साथ ऐसा धोखा नहीं, उसने कितने विश्वास के साथ मुझे ये गहने दिए रखने के लिए, उसका पति शराबी है, वो शराब पीता है, अगर वो घर पे रखती तो क्या करता, शराब में इन गहनों को क्या करता, बेच बाच के शराब पी जाता, इसी चक्कर में तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके और क्या किए, गहने मेरे को दिए। अब उसकी लड़की की शादी होगी तब मैं वो गहने क्या करूँगा, लौटा दूंगा। तो यानी उसकी लड़की की शादी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी पूंजी क्या की मेरे पास गिरवी, यानी मेरे पास कहने का मतलब है एक अमानत के तौर पर रखी है, तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, इतना विश्वास जताया कि जो मेरे पास भी रखा, तो मैं जो अपनी जो वर्षों की इज्जत है कमाई हुई, इसको मैं क्या नहीं कर सकता, ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। और रविदत्त क्या उसको ऐसे बोलता रहता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब इज्जत इज्जत कोई भी कुछ भी नहीं है, पैसा होगा तो अपने आप ही इज्जत हो जाएगी, आप कब की बातें लेके बैठ गए, यानी जो भी पुराने ख्याल है उनको तो सोचो, कोई भी इज्जत इज्जत नहीं है, पैसा तो सब है, अगर पैसा ही नहीं है तो कोई भी इज्जत नहीं है, अगर पैसा होगा तो रुतबा तो अपने आप ही बन जाएगा और इज्जत अपने आप ही बन जाएगी। ये बात बोलता कौन? रविदत्त। तो दोनों में क्या ये बातें होती रहती हैं, और फिर ये क्या कर बाल वाल बना के क्या करता है, ये निकल जाता है कौन? रविदत्त। और फिर ये चेयर पे क्या है, इससे चेयर पे पूरा पीछे लेट के ऐसे आप बाहों को फैला के क्या करता है, बैठ जाता है कौन? देवचंद्र। बाहों को फैला के क्या बैठ जाता है, और फिर इसकी क्या पत्नी आती है कौन? प्रतिमा। प्रतिमा आती है, पूछती है क्या हो गया आज, ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसे कैसे निराश लग रहे हो। फिर ये प्रतिमा को बताता कि ऐसे ऐसे बात हो गई, जो रविदत्त है जो मेरा दोस्त है, हमने साथ साथ रहे, 10 साल से हम साथ रह रहे हैं, तो अब किसी को भी पता नहीं है कि ये दोस्त हम भाइयों की तरह क्या कर रहे हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं, और किसी को ये मालूम नहीं है कि हम दोस्त है। तो जो उसकी नीयत क्या हो गई है, इस गहनों के खातिर क्या हो गई, बदल गई है, उन्होंने शादी के लिए जो मेरे से गहने लिए थे उनको देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, और उसमें मुझे भी शामिल कर रहा है कि दोनों क्या कर लेते हैं, इस गहने को डकार जाते हैं, यानी उसको नहीं देंगे, दोनों क्या कर लेते हैं, इन गहनों को रख लेते हैं, ऐसा वो क्या कर रहा है, मेरे से कह रहा। तो फिर वो बोल रहा है, फिर प्रतिमा बोलती है कि क्या हो गया, तो सही बात ही बता रहा, बस सही कह रहा हो, तो ये भी क्या उसकी क्या करती है, भीड़ बोलती है, इसी की साइड लेती है कौन? प्रतिमा भी। फिर दोनों के बीच में ऐसे कहा सुनी होती है, किसके? देवचंद्र के और प्रतिमा के बीच में, तो ऐसे कहा सुनी होती है, फिर बाद में बातचीतें आगे बढ़ती रहती हैं, इन दोनों के बीच संवाद चलता रहता है, इन बातचीत होती रहती है, और क्या करती है फिर अपनी कहानी क्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर दोनों में बातचीत होती रहती है, किस में? इन दोनों में। और इधर क्या है, जो भाभी जी है कौन है? रविदत्त की पत्नी। तो क्या गहनों को पहन वहन के रखती है, बढ़िया मजे से क्या कर रही है धीरे। अब ये क्या, वो प्रतिमा ने बोला कि वो अभी क्या शादी नहीं हुई है, तो मांगने से क्या हो रहे, शर्मा रहे होंगे भाई, भैया क्या कर रहे होंगे, मांगने से क्या कर रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे कि कैसे मांगे। तो फिर नहीं, वो बोलता है कि नहीं मैं मेरी मान्यता, मैं उसको जब तक नहीं लौटा था तब तक मैं चैन की सांस
नहीं ले सकता, यानी वो गहनों को जब तक लीली की माँ को नहीं लौटा देता मुझे चैन की सांस नहीं आएगी। तो ये बोलता अपनी पत्नी को, और दोनों में क्या थोड़ी शिकायत हुई होती है, क्योंकि इसका भी मन थोड़ा क्या है, ऐसे ही लालची है, यानी ये भी किसकी तरह, देवदत्त की तरह क्या है, लालची है। तो ऐसे ही उसका मन भी क्या रहता है, डगमगाता रहता है, यानी ये भी सोचती है कि आ जाए तो बढ़िया ही बात है 50। लेकिन फिर दोनों में माथाफोड़ी होती है ऐसे ही कहा सुनी, और फिर क्या होता है इनमें आगे कि क्या करना होगा आपको, ये ऐसे ऐसे प्लान करते हैं ये, और फिर बात क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं ऐसे ऐसे अपने को क्या करना है, गहनों को लेना है। तो भाई कल वो वहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएगी या वहाँ जाएगी, तो आप उसको बोल देना, प्लान आता है इसके मन में कि आप उसको ये बोल देना क्या कि भाई आप वो, क्योंकि 100% वो गहने पहन के जाएगी, गहने का क्या है, उसको भाभी जी को ज़्यादा शौक है, तो गहने पहन के जाएगी, तो उसको आप ये बोल देना कि वहाँ पे ऐसे लूट लेंगे आपका गहने को, क्या कर लेंगे वहाँ, ले लेंगे, इतना नुकसान हो जाएगा ऐसे बड़बड़का के, और वो अलमारी क्या खुद की अलमारी, क्योंकि वो कमरे से तो नीचे आई जाएगी आपके पास कमरे में, और अपनी मैं अलमारी को क्या खुली छोड़ जाता हूँ चाबी लगी हुई, और फिर आप क्या करना उसको यही अलमारी में रखवा देना, और आप उसके साथ निकल जाना, फिर बाद में मैं आपको जाने के बाद में उन गहनों को मैं ले लूँगा। ऐसा प्लान करते हैं कौन, ये दोनों पत्नी पति, यानी दोनों पति पत्नी ऐसा प्लान करते हैं गहने को वापस लेने के लिए। तो ये प्लान कर ले, तो उसी बीच देवचंद्र जो रविदत्त के उसके बीच बातचीत चल रही, तो तब प्रसंग आता था किसका, कमल का, किसका, कमल का। तो कमल की बातचीत भी करता है रविदत्त से कि उसने भी, मैंने क्या किताबें दिलाई थी उसको 20 रुपये की, क्या 20 रुपये की बाजार से किताबें उधार दिलाई थी। तो किताब वाले का फोन किसके पास आ रहा था, देवचंद्र के पास, क्योंकि किताबें किसने दिलाई थी, देवचंद्र ने। देवचंद्र ने कहा था कि हाँ उसको किताबें दे दे, अपना जानकारी है, तो उसने किताबें दे दी। अब कमल से वो बुक वाला का फोन किसके पास आए, देवचंद्र के पास आए किताबें वालों का, कि भाई किताबों के पैसे दिलवाओ। अब जब देवचंद्र इसको फोन करता है, किसको, कमल को, कमल को फ़ोन करके कहता है कि यार वो किताबों के पैसे को क्या हुआ, वो किताब वाले का फ़ोन आया था बुक वाले का, तो आप पैसे दो उनके 20 रुपये। ये बोलता है कि ये कहता है कि पैसे क्या दे ऐसे रईस दादों को, कहें कि पैसे मतलब ऐसे खूब कमाने वाले हैं, खूब कमाते हैं, क्या अगर 20 रुपये का, अगर 20 रुपये खा भी गए, रख भी लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 20 रुपये को हम नहीं भी दिया तो उनके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो रईस ज़्यादा है, यानी रईसों के 20 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसी तरह नीत कौन पलट रहा था, रविदत्त, रविदत्त भी क्या कर रहा, उन गहनों के ऊपर उसकी नीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए देवचंद्र ने कहा कि उसके 20 रुपये भी क्या हो गए मेरे से लगे। फिर उस किताब वाले को 20 रुपये किसको देने पड़े, देवचंद्र को। देवचंद्र ने वो 20 रुपये फिर बुक वाले को खुद ने अपनी तरफ से या खुद के पैसों में से उसने एक पैसे दिए, तो वहाँ क्या हो गया, उसको चूना लगे, नुकसान हो गया किसको, देवचंद्र को। तो इसलिए वो अपनी पत्नी को कहता रहता है कि ये इसकी नीयत बिगड़ रही है, इसलिए अब मेरे को किसी भी हालत में वो गहने चाहिए, अगर तो आप जैसा कहोगी मैं वैसा कर लूँगा, लीली की माँ से बातचीत भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा, सारा सब कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा मैं, तो आप तो क्या करो बस वो गहने कैसे भी मेरे को दिला दो, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूँगा। क्योंकि ये बात क्यों कहता है इसको, प्रतिमा को, प्रतिमा इसको कहती है कि बड़ा वो आप ही पे विश्वास क्यों करती है, और नीति के पैसे देने वाले आप ऐसे कौन से ऐसे हो जी वो आप पूरा विश्वास करती है, वो आपको ही पैसे देती है, तो ऐसे दोनों के बीच में क्या एक नोक झोंक हो जाती है ना, कहा सुनी, यानी उसकी बीवी तो क्या थोड़ा सा शक टाइप में या कुछ ऐसे ही मान लो वो क्या बातचीत होती रहती है। तो फिर वो बोल दिया कि मैं उससे राम राम भी नहीं करूँगा, बातचीत भी नहीं करूँगा, बस मेरे को तो वो गहने दिला दो, कैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, उसको मैं गहने लौटा दूँ एक बार, फिर मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है, यानी मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, तो आप कहोगे तो मैं उससे बातचीत कुछ भी नहीं करूँगा। तो ऐसी बातचीत होती है, फिर वो गहने का जो प्लान किया था उन्होंने, वो ऐसे ऐसे अलमारी में रखना है, वो ऐसे सारा सब कुछ करना है। तो वो सारा प्लान करने के बाद फिर वो जैसे मंदिर जाते हैं, तैयार होकर आती है, गहने उन्हें पहन के आती है, 100% था कि वो जो हार लिया था उन्होंने वो पहन के आएगी। अब वो हार को पहन के आती तो उसने कहा ये हार वार तो दरवाजा चोरी हो जाएंगे, ऐसे आप क्या करो इसको खोल के रख दो। अब वो खोल के क्या करती है, हार को खोल लेती है, खोल के रखने के बाद क्या, कहाँ रखे अभी तो लेट हो रहे हैं, हम अपनी यही अलमारी है, लो अलमारी खुली है, इसमें रख दो, लॉक लगा देते हैं, फिर बाद में ले लेना। तो अलमारी में रख देती है, और चाबियों को उसने बोल दिया उसके पति ने, किसने, देवचंद, आप चाबी ले जाना, मैं तुम्हें देख लूँगा बाद में, आप तो इसको लेके निकल जाना। फिर वो क्या प्रतिमा उस भाभी जी को लेके निकल जाती है, और पीछे से देवचंद्र आता है, फिर आके थोड़ी थोड़ी ला के उसको तोड़ ताड़ के वो गहने को क्या कर लेता है, ले लेता है, कौन, देवचंद्र, उस गहने को क्या कर लेता है, वो ले लेता है। तो गहने को ले लेता है, और फिर वो वहीं चले जाते हैं, फिर बाद में फिर क्या, वो लीली की माँ के पास जाता है, यानी जो गहने को ले लिया इसने, बाद में पीछे से तोड़ताड़ के ले लिया, और फिर किसको देता है, ये
लीली की माँ को। अब लीली की माँ एक होती है कि मैंने तो आपको ये अब भी लेने के लिए थोड़ी दिए थे, मैं तो मेरी जो बच्ची है बेटी है इसकी शादी के लिए दिए थे कि इसकी शादी होगी तब आप क्या करना मुझे दे देना। ये कहता है कि मैं अपने पास नहीं ज़्यादा दिनों तक रख नहीं सकता क्योंकि अगर मेरा मन पलट जाए, अगर मेरी नीयत ख़राब हो जाए तो फिर वो कहला कि आपकी नीयत ऐसे कैसे ख़राब होगी, मैंने मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप ऐसे नहीं हो। वो बोलता है कि नहीं मैं अपने पास इनको नहीं रख सकता, पता नहीं कब मेरा मन डिग जाए या कब मेरा मन क्या हो जाए फिसल जाए और मेरी नीयत बिगड़ जाए, इसलिए मेरे मन में अगर ये ख्याल आने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैं ये आपकी अमानत आपको लौटाना चाहता हूँ, मुझे आपकी अमानत अब ज़्यादा दिन और मैं नहीं रख सकता क्योंकि अभी आपकी अमानत आपके पास रखो क्योंकि कभी भी मेरा मन पलट सक जाए या मेरा मन डिगमग जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा दिन तक आपके इस गहनों को नहीं रख सकता, इसीलिए आपको आपके गहने लेने ही पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, फिर वो गहने किसको लौटा दिए, इसको, किसको, लीली की माँ को। और लीली की माँ थी तो वो लीली थी, ये लीली तो लीली क्या थी, जो देवचंद्र है ये प्राइवेट स्कूल में क्या था, प्रिंसिपल था, उसी में कौन पढ़ती थी, लीली। और जो लीली के पिताजी जी वो क्या करते थे, शराब पीते थे, क्या करते थे, शराब पीते थे। अब शराब पीने की वजह से लीली की माँ क्या थी, परेशान रहती थी। और उसने क्या किया, जो वो गहने थे सारे, क्योंकि वो सारे गहनों को बेच बाच के क्या कर देता, शराब पी जाता, इसीलिए उसने क्या किया, देवचंद्र को क्या कर दिया, वो गहने दे दिया अमानत के तौर पर कि आप अपने पास रखो, यानी विश्वास जता के किसके ऊपर, देवचंद्र के ऊपर अपना पूरा विश्वास जता के उसने क्या किया, वो गहने दिए। और विश्वास जता के वो गहने दिए तो ये इसलिए दिए कि आप बाद में जब मेरी लड़की की शादी हो तो आप ये गहने क्या करना, आप मेरे को लौटा देना। तो ये सारा विश्वास करके किसने, देवचंद, लीली की माँ ने विश्वास करके इसको दिए थे। फिर बाद में इसने क्या, ये सारा समस्या हो गई नहीं सारी गहने की, क्या उसने ले लिए, एक भाई समान था, ये भाई समान समझता था और उसने क्या नीयत ख़राब कर ली, यानी गहने के लिए उसने क्या कर ली, अपनी नीयत ख़राब कर ली और गहने को क्या करने लगे, हजम करने की बात कहता है कि उसके को क्या सबूत है कि उसने आपको दिए थे, तो दोनों ही क्या कर लेते हैं गहनों को, दोनों ही क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ऐसा कौन कहता था, रविदत्त। तो ऐसे उसकी नीयत ख़राब हो गई थी, फिर वो ये सोचता कि जैसे उसकी नीयत ख़राब हो गई तो भविष्य में पता नहीं मेरे भी मन पलट जाए या मेरा, मेरे भी मन में ऐसा विचार कुछ आ जाए, इसलिए मेरे मन में ये विचार आने से पहले ही मैं आपको ये अपनी जो अमानत है आपकी वो मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, अब ज़्यादा दिन तक मैं अपने पास इसको नहीं रख सकता। तो ऐसा करके वो क्या करता है, इसको लौटा देता है, किसको, लीली की माँ को, उसकी अमानत लौटा देता है, तब जाके उसको क्या मिलता है, थोड़ा सा चैन मिलता है। तो ये क्या थी इसकी एक स्टोरी थी, किसकी, अपने नया पुराना जो एकांकी है उसकी। अब नया पुराना, नया पुराना जो इसका शीर्षक है वो किस हिसाब से नाम रखा, नया पुराना, क्योंकि ये तो गया पुराने विचारों का, कौन हो गया, देवचंद्र पुराने विचारों का, रविदत्त क्या हो गया, नए विचार। यानी नए विचार कहने का मतलब है जो अब नए अपने स्वार्थ लुटता है, यानी आर्थिक जो चल रहा है, जो आर्थिक रूप से क्या लोग बाग एक दूसरे को क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की संपत्तियों को, और जो स्वार्थ लिपता है या स्वार्थ में लिप्त होते जा रहे हैं, जो स्वार्थ उनका बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में बताएं, जो वर्तमान में लोगों में कहने मतलब हीनता आ रही है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है, इसके बाद जो ऐसी जो विशेषताएं हैं वो किसके अंदर है, रविदत्त के अंदर है। और जो पुराने जो ख्यालात है, यानी जो पुराने ख्यालात वाले, पुराने विचारों वाले, यानी सिद्धांतों वाले, और जो अपने सिद्धांतों को लेकर चलने वाले कि हम ऐसा रहना चाहिए, यानी इज्जत को मानने वाले और इज्जतदार आदमी जो होते अपने पुराने, वो ख्याल कि कौन है, देव चंद्र। इसीलिए इसे एकांकी का नामकरण क्या किया गया, नया पुराना, क्या किया गया, नया पुराना। तो नया पुराना इसीलिए इसे एकांकी का नाम रखा गया। अब जैसे ही हम आगे बात करते हैं और इसके बारे में, तो ये तो हो गया क्या इसके पात्रों की भूमिकाएं, कौन कौन सी पात्र की क्या क्या भूमिका थी। अब एक इसमें एक था अचल रहने वाला व्यक्ति, एक पात्र और कौन था, अचल रहने वाला व्यक्ति, कौन, अचल रहने वाला व्यक्ति, और एक था इसमें गजेंद्र, कौन था, गजेंद्र। तो गजेंद्र तो क्या रंगमंच से बाहर है, क्या रंगमंच से बाहर का पात्र, रंगमंच से बाहर का पात्र एक अचल रहने वाला व्यक्ति है। अब अचल रहने वाला व्यक्ति है, इस कहानी का उद्देश्य क्या होता है, स्पष्ट होता है, किससे,
इससे। अब इसके माध्यम से कैसे होता है, एक अचल रहने वाला व्यक्ति है उसके माध्यम से इस कहानी का, इसका जो स्टोरी थी या जो एक कहानी थी, इसका क्या था उद्देश्य, क्या हुआ था स्पष्ट हुआ था क्या उद्देश्य कि वर्तमान में जो आदमी के जो लालच बढ़ रहा है वो कैसे उसका लालच बढ़ रहा है, कैसे उसकी जो नई सोच हो गई है, कैसे वो एक दूसरे का क्या हड़पने में लगे हुए हैं। यानी लालच इतना हो गया कि लोग बाग जो अपने से निम्न कैटेगरी के हैं या अपने से जो जैसे गरीब आदमी मान लो कैसे भी, तो उनको क्या है वो शोषण करने से दूर नहीं हटते। यानी शोषण करने में एक बार भी उनको क्या नहीं होता कि दर्द नहीं होता कि अब अरे अगर से हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो इसकी क्या हालत होगी। यानी गरीबों का खून चूसने में लगे हुए कौन, रविदत्त जैसे आदमी, और जो देवचंद जैसे आदमी वो आज भी क्या है कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और दूसरों के बारे में क्या करते हैं सोचते हैं, यानी गरीबों के बारे में क्या करते हैं सोचते हैं कि उनकी हालत कैसी है। और ये क्या रविदत्त जैसे आदमी क्या गरीबों का खून चूसने में लगे हुए है। तो इसके बारे में जो अचल रहने वाला व्यक्ति है इसके माध्यम से इस एकांकी का जो उद्देश्य था वो स्पष्ट किया गया है कि कैसे आज वर्तमान में स्वार्थलिप्तता कितनी बढ़ गई है, यानी स्वार्थ के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता है या उसकी सोच कितनी गंदी हो सकती है। इसके बारे में वर्णन की, इसके बारे में जो वर्णन किया वो किसके माध्यम से किया, अचल रहने वाले व्यक्ति, यानी इसके माध्यम से इसको इसके माध्यम से बताया गया है कि आदमी की आज सोच क्या हो गई है। और एक जो गजेंद्र नाम का पात्र आ रहा था, इन दोनों के बीच में लास्ट में जो संवाद होता है एकांकी खत्म होने के बाद में इन दोनों के बीच में चलता जो भी दो तीन बातें होती है वो ये। तो गजेंद्र ये जो रंगमंच से बाहर का पात्र, यानी जो रंगमंच होगा उसमें इसकी भूमिका नहीं है, यानी जो एकांकी में जो मुख्य पात्र उनके अकॉर्डिंग इसकी भूमिका नहीं है। यानी जो पर्दे पर अगर इसका मंचन करोगे तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा, गजेंद्र नहीं आएगा, यानी गजेंद्र का वर्णन उस पर नहीं आएगा। कहाँ पे, रंगमंच, यानी रंगमंच से बाहर का पात्र है, ये दोनों के बीच में लास्ट में वार्तालाप थोड़ा सा होता है। तो ये बताता रहता है, फिर ये वास्तविक तो बताता रहता है कौन, अचल रहने वाला व्यक्ति, क्या बताता है ये कि अपने को किसके बारे में बोलता है, जो नई जो सोच है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यानी जो पुरानी सोच के लिए क्या करता है कि उनसे कुछ अभी नहीं होने वाला, अपने को नए हिसाब से क्या करना चाहिए। वास्तविकता तो क्या है, यही है। यानी वास्तविकता से क्या करो, आप परिचित हो, यानी वास्तविकता को आपको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन देवचंद्र क्या करता है कि वास्तविकता को, इस वास्तविकता को क्या करता है, नहीं मानता है वो, तो अपने पुराने हिसाब से मानता है कि दूसरों के साथ क्या छल कपट नहीं करना चाहिए या दूसरे के साथ जो भी शोषण है वो भी आपको नहीं करना है। और ये बोलता है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो ये वास्तविकता है, यानी ये क्या सत्य है, हमको इस प्रकार से ही चलना चाहिए, यानी ये जिंदगी जीने का तरीका है जो यही है। यानी वास्तविकता अभी समय की क्या है, यही है। तो वास्तविकता है जो, उस वास्तविकता को जो अभी वर्तमान में चल रही है, यानी कैसे लोग बाग छल कपट कर रहे हैं, कैसे गरीबों का खून चूस रहे हैं, जो वास्तविकता है अभी, उसको इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया। यानी एकांकी का जो उद्देश्य था, जो एकांकी के माध्यम से लेखक अपने को स्पष्ट करना चाहता है, या जो उद्देश्य जो हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है वो किसके माध्यम से किया उसने, अचल रहने वाले व्यक्ति के माध्यम से। तो ये क्या थी आज हमारी जो एकांकी थी, नया पुराना उसकी जो पूरा खतरनाक था उसकी जो स्टोरी थी ये इस प्रकार से थी। तो कहने का मतलब आपको सारी स्टोरी क्या हो गई कि समझ में आ गई होगी। तो ये सारे पात्र हो गए, इनकी अलग अलग भूमिका मैंने आपको अलग अलग प्रकार से समझा दी। तो इन्हें अलग अलग प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और जिसकी जो जो भूमिका है उसको क्या आपको थोड़ा सा क्या करना है, नोट करना है। अब इस एकांकी का अगर मुख्य तथ्य लो आप, जो इम्पोर्टेंस लो इसकी, मुख्य तथ्य या मुख्य बात क्या है, तो यही है कि इस एकांकी के माध्यम से अपने को क्या दर्शाया गया है कि कैसे वर्तमान में व्यक्ति कितना स्वार्थी और कितना छली और कितना घमंडी हो गया है। यानी उसने क्या, गरीबों का खून चूसने से भी वो क्या नहीं होता, दूर नहीं होता, यानी गरीबों का खून चूसने में भी वो एक बार भी नहीं सोचता है। यानी खुद इतना लालच बढ़ गया है कि वो गरीबों की भी अब नहीं सोचते। यानी व्यक्ति के जो लालच है, जो स्वार्थ लिपता है उसकी, वो कितनी बढ़ गई है उसी का वर्णन इस एकांकी में किया गया है। इसीलिए एक सामाजिक प्रकार का एकांकी है, यानी एक सामाजिक, यानी जो समाज में स्वार्थ लिपता है उसका, उसके बारे में क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। इसीलिए एकांकी कौन से प्रकार का एकांकी हो जाएगा, सामाजिक, यानी चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। इसमें चरित्र भी तो उभर के आ रहा है ना पात्रों का। अब आप इसको पढ़ोगे तो इसका चरित्र आपको अच्छा लगेगा, और इसको पढ़ोगे तो इसका चरित्र आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो लोगों के क्या अलग अलग प्रकार से अलग अलग चरित्र निकल के आ रहे हैं। अगर लीली की माँ के देखोगे तो इसका अलग चरित्र आएगा। तो यानी चरित्र प्रधान क्या हो गया, एकांकी हो गया। अब जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम, जो आपके नेक्स्ट एकांकी आएगी उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज हमने किसके बारे में चर्चा की थी, नया पुराना जो एकांकी था उसके बारे में। और यह एकांकी आपके क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे हम जो भी आपके नेक्स्ट एकांकी आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।